Okay, our topic is profit and loss. So in profit and loss, we come through the terms CP, that is cost price, SP, that is selling price, MP, mark price, profit and loss. And one more, discount. प्रॉफिट एंड लॉस में हमें इन्हीं टर्मों के बारे में पढ़ना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. पहले एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है. सीपी, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस वो होता है जिसमें हम गुड्स को परचेज करते हैं. गुड्स कुछ भी हो सकता है, पेन, बैग, कुछ भी. जितने में डीलर परचेज करता है उस सामान को उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं. जितने में वो बेचता है उस सामान को. मान लीजिए हमने एक बैग खरीदा 4 rupees 50. ओके, इस एक डीलर ने इस बैग को खरीदा कितने, 50 rupees में. ठीक है, ये बैग है 50 rupees का, डीलर ने खरीदा, दुकानदार ने, बेचने के लिए. तो सीपी ऑफ द बैग विल बी 50. और उसने दूसरे ग्राहक को बेच दिया 55 में, 5 rupees. शॉपकीपर परचेज बैग फॉर ₹50. सो हिज कॉस्ट प्राइस, दैट इज सीपी, विल बी ₹50. ओके, एट द प्रॉफिट ऑफ ₹5 ही सेल द बैग. सो सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी, विल बी ₹55. ओके, नाउ यू कैन सी हियर दैट एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. अगर एसपी हमारा कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है, मतलब जितना हम खरीदते हैं उससे ज़्यादा हम अगर बेच देते हैं, तो हमको फायदा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट. तो हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि एसपी यहाँ पर बड़ा है और सीपी छोटा है. तो हमें कितने फायदे हुए, जनरल में हम 5 rupees बोल देंगे. तो इसको फॉर्मूला वाइज लिखते हैं, एसपी माइनस सीपी, दैट इज 55 minus 50 is equal to 5. तो हमारा प्रॉफिट हो गया ₹5. ओके, नेक्स्ट, अगर हमने बैग, हमारा प्रॉफिट ₹5 हो गया. ओके, नाउ लॉस का केस क्या होगा. अगर शॉपकीपर ने सेम बैग ₹50 का खरीदा होगा और बेचा होगा उसको ₹45 में, कुछ डिफेक्ट आ गए हैं बैग में, तो उसने ₹45 की बैग बेच दी, तो सीपी तो सेम रहेगा बैग का ₹50, बट हिज एसपी विल बी 45. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एसपी छोटा है, बेच कम में बेच रहा है क्योंकि डिफेक्ट आ चुके हैं बैग में. तो उसने एसपी ₹45 रख दी, 5 rupees घटा कर, ताकि उसका बैग बिक जाए. तो यहाँ पर खरीदा तो उसने ₹50 में, बेचा ₹45 में, तो उसको लॉस हो रहा है. यहाँ पर जनरली हम बोल सकते हैं ₹5 लॉस हो रहा है. तो उसको फॉर्मूला वाइज इस तरह लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू 50 minus 45 इज इक्वल टू ₹5. सो हमने लॉस का टर्म देख लिया, एक प्रॉफिट का टर्म देख लिया, क्या क्या हो सकता है. सो फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ.
प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। हेयर एस पी इज द सेलिंग प्राइस, सी पी इज द कॉस्ट प्राइस। बेचने वाला दाम अगर हमारा ज़्यादा रहेगा खरीदने वाले से तभी हमें प्रॉफिट होगा। एंड लॉस, लॉस विल बी लाइक हमने जितना में खरीदा उससे कम में हमने बेचा है, तो उसमें उस केस में हमारा लॉस होगा। तो उस केस में सी पी जो होगा बड़ा होगा और एस पी छोटा होगा, तो हमें लॉस हो जाएगा। एंड नाउ वी कम टू द टर्म लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय सी पी इंटू 100, दैट इज लॉस परसेंट। एंड प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट और गेन परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। मैं आपको एक क्वेश्चन बनाकर इस पर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैग का ही एग्जाम्पल ले लेंगे हम, यहाँ पर तो कैमरा आएगा ना। बैग का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, डीलर ने वो बैग परचेज किया था रुपीज 50 में, तो सी पी इज इक्वल टू रुपीज 50, जैसा कि पहले भी था। उसने बेच दिया उसे एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस 55 में, तो ये जाहिर से बात है 50 में खरीदा था 55 में बेचा था, तो उसमें 5 रुपये फ़ायदे हो रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, सो हेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्योंकि एस पी बड़ा है तो एस पी माइनस सी पी हम लोग यहाँ करेंगे प्रॉफिट के लिए। तो एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू 55 माइनस 50 इज इक्वल टू रुपीज 5, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। एंड नाउ वी कम फॉर द प्रॉफिट परसेंट, दैट इज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। सो प्रॉफिट दिस इज 5 रुपीज इज प्रॉफिट, सी पी इज 50 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 10% प्रॉफिट। नाउ 10% प्रॉफिट। अब दूसरा केस हम देख लेते हैं इसमें लॉस का। ये तो मैंने आपको प्रॉफिट का बता दिया, अब लॉस का केस क्या होगा? अगर 50 रुपीज़ सी पी है मीन्स कॉस्ट प्राइस, जितना में डीलर ने शॉपकीपर ने जितना में उस बैग को ख़रीदा है, अगर एस पी हमारा हो जाता है 45, मतलब 50 रुपये में ख़रीदा 45 में बेच दिया 5 रुपये के लॉस पे, क्योंकि डिफेक्ट आ चुके थे कुछ बैग में, तो उसने 5 रुपये कम करके बेच दिए बैग को, तो यहाँ पर इस केस में लॉस हो जाएगा। एंड लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, दैट इज सी पी इज 50, एस पी इज 45 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पर रुपीज़ 5 हमारा लॉस हो गया। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? दिस इज लॉस परसेंट, लॉस बाई सी पी इंटू 100, लॉस इज रुपीज़ 5, सी पी इज 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 10% लॉस। यह हमारा लॉस का टर्म हो गया। ओके, नाउ नाउ वन फॉर्मूला इज देयर, एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस पी परसेंट ऑफ सी पी। हियर पी इज द, हियर पी इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस एल परसेंट ऑफ सी पी। Here L is
लॉस। ये फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन बनाएंगे अब। ओके सो सपोज इफ अ डीलर बाइज अ गुड बाइज अ बैग फोर रुपीज फिफ्टी। ओके सो हियर हिज सीपी विल बी रुपीज फिफ्टी एंड ही सेल इट एट रुपीज सिक्सटी। ओके सो नाउ यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। SP is equal to here SP is greater than CP, that is here CP is equal to 50 and SP is equal to 60. So here SP is greater than CP. Now you can use the formula like SP 60 plus one. Here dealer buys the bag for rupees 50 and he incurs a loss of rupees loss of 10%. Okay, so here his SP will be, means we have to find SP here. So SP का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे जो है, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है तो लॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये SP is equal to CP minus L percent of CP. SP is equal to 50 minus 10% loss of 50, that is equal to 50 minus 10% of 5, that is 45. Here SP is 45, CP was 50. So in this way you can use the formula. Now that is MP, this is market price. You have studied about CP, SP and one more term is market price. So अगर एक डीलर है जो बैग को परचेस कर रहा है रुपीज़ 50, सो ही सीपी विल बी रुपीज़ 50, परचेस कर रहा है इतने में और बेच रहा है वो कितने में 60। ओके तो बैग पर भी एक हमारा लोगो लगा रहता है जिस पे कि मार्क प्राइस लिखा रहता है। कुछ भी हम सामान परचेस करेंगे, गुड्स परचेस करेंगे, तो उस पे लोगो एक लगा रहता है प्राइस का। तो उस पे एमपी मान लो दिया होगा 55, 65। ये तो सिर्फ शॉपकीपर को पता है कि उसने 50 में लिया है, एसपी उसका 60 में बेचता है, वो एमपी है
₹65 और उसने उस पर डिस्काउंट अलाउ किया है। टू परसेंट डिस्काउंट। तो यार नाउ वन मोर टर्म इज हेयर दैट इज एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस डी परसेंट ऑफ एम पी दैट हेयर डी इज डिस्काउंट।